बुलंदशहर में दूध की डेयरी में काम करने वाले मजदूर की एक वाहन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि बुलंदशहर में एक दूध की डेयरी में मजदूरी करने वाले 14 वर्षीय युवक की एक वाहन की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे कुछ लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया और NH 91 को जाम कर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डेयरी परिसर में बैठी युवक की वाहन की चपेट में आने से मौत हुई है। बता दें कि डेयरी में मजदूरी करने वाला मृतक कपिल सैनी खुर्जा के मुंडा खेड़ा गाँव का निवासी था। क्या नाम है आपका? लपकुश। लपकुश, क्या मामला हुआ है यहाँ? सर, हम सुबह आए थे 11 बजे यहाँ पर, हम दोनों, और क्या बोले परम डेयरी में काम करने लोडिंग का, और क्या बोले वो गया था हमारा टॉयलेट करने। अच्छा। और एक लड़का और गया था उसके साथ, मनीष, वो इंडिया का धमरावली का, उसका गाड़ी भी चलानी नहीं आती है। और वो लड़का जो कपिल आगे बैठा था, वो उसने उसके ऊपर गाड़ी चला दी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी यही वाली DCM बड़ी वाली। अब क्या हुआ है, वो क्या आश्वासन मिला आपको अंदर से? अभी तो कुछ नहीं मिला है हमें आश्वासन। तो सूचना दे दी आपने पुलिस को? हाँ, सूचना दे दी। तो परम डेयरी की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है क्या? अभी तो कोई नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। ये समथिंग 1 बजे का केस है। तुम्हें कितने बजे पता लगी तुम्हारे भाई मर गए? हम सवाल करेंगे ना। ग्रामीणों और परिजनों ने उचित कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे जाम किया और हंगामा जारी है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के हाईवे NH 91 स्थित परम दूध डेयरी का है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।